हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CITS का जो फॉर्म आया था उसके बारे में कि लास्ट डेट क्या है और लास्ट डेट जो कि है एक्सटेंड हो गया है। तो आप यहां देख सकते हैं CITS का लास्ट डेट जो कि 17 को हो रहा था। अगर अभी तक आपने CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाया है तो जो है वो 24/6/2023 तक हो गया है एक्सटेंड। आप जो है फॉर्म को भर दें। अगर थोड़ा सा हम फिर से CITS के बारे में बता दें तो CITS एक टीचर बनने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि ITI में टीचर बने तो आप ये CITS का इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दें, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर भी दिया गया है अगर कोई क्वेरी करना हो तो। और नीचे चलते हैं, नीचे एग्ज़ाम सेंटर्स भी दिए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर जैसे कि अगर तल्ला हो गया, गोरखपुर हो गया, कवारती हो गया, रायपुर हो गया, सब अपने अपने सिटी के हिसाब से सभी सिटी है। एग्ज़ाम सेंटर जो है बहुत जगह बनाए गए हैं, लगभग 69 एग्ज़ाम सेंटर हैं। क्वालिफिकेशन की फिर से जब हम बात कर लें तो NTC नेशनल सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे हम ITI कहते हैं, NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री कोई भी है तो सभी एलिजिबल है यहाँ पे। अब आप अपेयरिंग वाले पूछेंगे कि अपेयरिंग के लिए, तो अपेयरिंग कैंडिडेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपेयरिंग इन द इंट्री क्वालिफिकेशन एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फॉर CITS। अपेयरिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे सीधा बताया गया है। एग्ज़ाम फीस की बात कर ले तो एग्ज़ाम फीस 500 रुपया लगेगा आपका जनरल के लिए। जनरल और ऑल अदर कैंडिडेट मतलब कि OBC भी को भी आपको 500 ही पे करना होगा। और SC ST के लिए 300 है, PH कैटेगरी के लिए 300 है, वोमेन के लिए 300 रुपया है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, जैसे भी आप कर पाए वैसे कर लीजिए और आप CITS का फॉर्म एग्ज़ाम भर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बना देंगे कि सिलेबस क्या है और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया था और मैंने एडमिशन यहाँ कैसे लिया था, इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।